हेलो फ्रेंड्स डब्ल्यू स्किप्टेक के इस प्रोग्रामिंग चैनल पर मैं मनीष खेलोत आपका वेलकम करता हूं फ्रेंड्स जावा प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है दिस कीवर्ड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रेंड्स दिस कीवर्ड का आपने जो है सी प्लस प्लस में भी यूज किया था बट फ्रेंड्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिस की के बहुत सारे यूजेज हैं ओके okay? और दिस की के जो सारे जो यूजेज हैं उसको हम आज वीडियो में कवर करेंगे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स दिस बेसिकली है क्या इसको हम डिस्कस कर लेते हैं दिस इज अफरेंस वेरिएबल ठीक है रेफरेंस वेरिएबल एड्रेस ठीक है डेट रेफर टू टू डि करंट ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट जो बना है करंट जो ऑब्जेक्ट बना है उसको होल्ड करके रखेगा उसका एड्रेस अपने अंदर लेके रखेगा उसको ओपन क्या कहेंगे दिस की वर्ड जो करंट क्लास का रेफरेंस होल्ड करके रखे रेफरेंस रेफर refer करके रखे उसको ओपन क्या कहेंगे दिस की वर्ड ठीक है दिस की वर्ड कैन बी यूज टू रेफर एनी मेंबर ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट विद इन द इंस्टेंस मेथड और अ कंस्ट्रक्टर सही बात है रेफरेंस है तो जो इंस्टेंस मेथड है या कंस्ट्रक्टर है उनको भी क्या कर सकते हैं अपन रेफर कर सकते हैं ठीक है थीके? तो डायग्राम के थ्रू आप देखें दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल ठीक है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है ठीक है स्टेट प्लस बिहेवियर दोनों को कौन रेफर करके रखता है ये हमारा दिस की वर्ड ठीक है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दिस की वर्ड के बहुत सारे यूजेज हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो फर्स्ट हम यूज देखेंगे कि दिस को करंट क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको किस तरह से रेफर करें उसके बाद में हम देखेंगे करंट क्लास का जो मेथड है उसको हम कैसे इन्वोक करें फिर करंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम कैसे इन्वोक करें ठीक है देन कैन बी पास एज ए आर्ग्यूमेंट

सो so फ्रेंड्स पे आपने देख रहे हैं कि हमने टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास किए टेन और ट्वेंटी ठीक है कंस्ट्रक्टर बना है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा और यहां पे आप देखें कि ए और बी ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ओके और यहां पर भी ए और बी है जो क्या है फॉर्मल वेरिएबल है ठीक है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स एंड करंट द सेम ठीक है दोनों यहाँ पे क्या है सेम है तो ये हो जाएगी एम्बीग्युटी की सिचुएशन यहां पर क्या हो जाएगी एम्बीग्यूटी की सिचुएशन अराइज हो जाएगी तो हमारा जो आउटपुट है बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल आएगा ओके सो इन द अबाउ एग्जाम्पल पैरामीटर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स एंडस्टेंट्स फेरिएबल आर द सेम दोनों क्या है सेम है अगर ऐसी सिचुएशन अगर अराइज हो जाए तो फ्रेंड्स यहां पे क्या हो जाएगी एम्बिग्यूटी अराइज हो जाएगी इसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस की दूर कर सकते हैं देखिए आप अब यहां पे क्या होगा दिस डॉट डॉट ए ए लिखेंगे दिस ठीक है इज इक्वल टू ए ये स्पेसिफाई आप कर रहे हैं ठीक है सो फ्रेंड्स क्या होगा मैं आपको बताता हूं दिस कीवर्ड के अंदर क्या है करंट क्लास का रेफरेंस अपने अंदर होल्ड करके रखता है ठीक है इस रेफरेंस से आपने किसको जो है refer किया है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को रेफर किया है ठीक है तो ये और ये अब दोनों क्या हो गए? Different हो गए गए पर क्या होगा लगाने से ये एम्बिग्यूटी क्या हो गई दूर हो चुकी है ठीक है दोनों अब ये अलग अलग बिहेव करेंगे और हमारा जो आउटपुट है जो हमने टेन और ट्वेंटी पास किया था वो यहां पर प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो पहली प्रॉब्लम हमने देखा कि अगर इंस्टेंस वेरिएबल फॉर्मल आर्गुमेंट दोनों सेम हो जाए तो की से हम इस रिजॉल्व कर सकते है, friends, इसका देखते हैं ठीक है इंस्टेंस तो हमने देखा आप देखते हैं करंट क्लास का मेथड फ्रेंड्स मेथड को हमेशा क्या किया जाता है इनवोक किया जाता है ध्यान रखिएगा ठीक है सो फ्रेंड्स यहां पर आप देखें कि क्लास ए और हमने एक मेथड नाम दिया है एम और उसके अंदर कुछ मैसेज आपने डाल दिया लाइक हाई पी और दूसरा एक मेथड है एन इसके अंदर भी आपने क्या रख दिया है हाई क्यू ठीक है सो फ्रेंड्स आपने कॉल किया क्या एम को आप फंक्शन ने एम को फंक्शन को आपने कॉल किया ठीक है सो फ्रेंड्स ये लिखें या आप ये लिखें दिस डॉट एम अगर डॉट लगा के आप रेफर कर रहे हैं जिसके थ्रू तो ये दोनों क्या है बिल्कुल सेम है करंट क्लास का जो मेथड है उसको भी आप दिस के थ्रू कॉल कर सकते हैं सो यू मे इन्वोक द मेथड ऑफ द करंट क्लास बाय द दिस कीवर्ड इफ डोंट यूज दिस कीवर्ड द कंपाइलर ऑटोमेटिकली एड्स दिस कीवर्ड वाइल इन्वोकिंग द मेथड कंपाइलर यह ऑटोमेटिकली एड कर देगा अगर आप सिंपल ये भी लिखें ठीक है या दिस करके लिखें उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी यहाँ कंपाइलर ऐड कर देगा अगर आपने लगा दिया है दिस तो भी कोई फर्क वाली बात नहीं है ठीक है तो दोनों यहां पे बिल्कुल सेम बिहेव करेंगे नेक्स्ट बात करते हैं टू इन्वोक द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर जैसे हमने मेथड को इनवोक किया था वैसे हम कंस्ट्रक्टर को भी इनवोक कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो आप देखें यहां पर क्लास ए कंस्ट्रक्टर हमने बनाया उसके अंदर कोई मैसेज हमने पास कर दिया फिर से हमने एक वन आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके थ्रू हमने इसको कॉल किया ठीक है तो फ्रेंड्स जिसके थ्रू कॉल किया तो ऑब्वियसली बात है पहले यहाँ पर क्या होगा जो ये जो डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा हाई पी जो हमारा मैसेज वो प्रिंट हो जाएगा देन उसके बाद में जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टलने के अंदर हमने एक्स जो पास किया है यहाँ पे वन आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर में जो टेन पास किया है यहाँ पर ये यह प्रिंट हो जाएगा ठीक है दिस कंस्ट्रक्टर कैन बी इन यूज टू इनवोक दी करंट क्लास कंस्ट्रक्टर जैसे मैथड को इनवोक किया था वैसे हम कंस्ट्रक्टर को भी क्या कर सकते हैं इन्वोव कर सकते हैं इट इज यूज टू री यूज दंस्ट्रक्टर इन अनदर वर्ड्स यूज फॉर दक्टर चेनिंग बार बार में हम इसको यूज कर सकते हैं इसी को हम क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर की चेनिंग ठीक है एक रूल आपको याद रखना है दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कॉल टू दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर जैसे हमने यहाँ पर दिस को कॉल किया है कंस्ट्रक्टर में ये पहला स्टेटमेंट होना चाहिए अगर ये पहला स्टेटमेंट नहीं है तो यहाँ पर एरर आ जाएगी ये पर्टिकुलर रूल सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर में ही अप्लाई होता है मेथड में ये रूल अप्लाई नहीं होता है मेथड में आप दिस चाहे बोली फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखें सेकंड में लिखें थर्ड में लिखें कहीं भी आप लिख सकते हैं लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर की जो है यूजिंग दिस कीवर्ड आप इन्वोक कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को तो उसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए दिस ही होना चाहिए अगर दिस नहीं है तो यहां पर एरर आ जाएगी ठीक है सो कॉल टू दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर पहला ही आर्गुमेंट होना चाहिए अदरवाइज एरर आ जाएगी ओके okay? जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा नेक्स्ट इसका जो यूज है फ्रेंड्स टू पास एज ए आर्ग्यूमेंट इन द मेथड हम एज ए आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं को हमने एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया है तो ऑब्वियसली बात है आर्ग्यूमेंट पास किया है कौन होल्ड करके रखेगा उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट तो हमने क्या किया उस क्लास जो एस टू है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ठीक है ओबीजे नाम से एक वेरिएबल बना दिया अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जो भी चाहें वो काम कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है सो वी कैन ऑल्सो पास द दिस एज ए आर्ग्यूमेंट इन मेथड ठीक है

तो हम क्या है पास कर सकते हैं एज ए दिस कंस्ट्रक्टर में भी पास कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट जो इसका यूज है फ्रेंड्स दिस कैन बी टू रिटर्न द करंट करंट क्लास क्लास इंस्टेंस जो है उसका इंस्टेंस भी हम रिटर्न करवा सकते हैं यूजिंग द दिस की वर्ड रिटर्न दिस इसका सेंटेक्स आप ध्यान से देखें कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट होगा रिटर्न टाइप मैथड नेम ठीक है और इस मैथड के अंदर हमने क्या किया है दिस जो है उसको क्या किया है रिटर्न किया है जिसको क्या किया है हमने रिटर्न किया है वी कैन रिटर्न द दिस एज स्टेटमेंट फ्रॉम द मैथड इन सच केस रिटर्न टाइप मैथड मस्ट बी द्लास टाइप नॉन प्रिमेटिव देखें आप यहाँ पे जो रिटर्न कर रहे हैं ऑब्वियस बात है इस फंक्शन से रिटर्न कर रहे हैं तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो ऑब्वियसली बात है क्लास टाइप ही होगा अगर आपने प्रिमेटिव टाइप दे दिया वहां पर तो एरर आ जाएगी आपको नॉन प्रिमेटिव टाइप ही देना पड़ेगा ठीक है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न किया है हमने दिस को अब इसका जो रिटर्न टाइप है वो हमने क्या दिया है ए और ए क्या है क्लास क्लास टाइप इज अ नॉन प्रिमेटिव टाइप अगर यहां पे आप लेट से uh, दे, दे देते हैं तो ये तो एरर आ जाएगी रिटर्न दिस कर रहे हैं आप तो क्योंकि ये नॉन प्रिमेटिव टाइप का आप दे रहे हैं यहां पे प्रिमेटिव टाइप का रिटर्न टाइप दे रहे हैं तो हमें यहां पे क्लास का नाम ही देना पड़ेगा मस्ट बी अटिव टाइप अगर आप को रिटर्न करवा रहे हैं तो ठीक है और ये तो ऑब्वियसली है आपको पता ही होगा कि क्या है एनोनमस ऑब्जेक्ट ये मैंने आपको पढ़ाया था ठीक है एक बार ही कॉलिंग होती है डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर हम इसको बार बार में यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द दिस की वर्ड इन जवाब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दिस के यूजेस क्या है दिस को आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पढ़ा है बट फ्रेंड्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसा कि हमने देखा जिसके बहुत सारे यूजेस हैं ठीक है सो फ्रेंड्स आई होप के इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको जो दिस कीवर्ड है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये क्लियर हो गया होगा होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो